नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 20 फीट बाई 50 फीट का प्लॉट है और इस प्लॉट के लिए हमने एक बहुत ही प्यारा घर का नक्शा बनाया हुआ है। तो यदि आप भी 20 फीट बाई 50 फीट यानी कि 20 फीट बाई 50 फीट के प्लॉट पर घर बनाने वाले हो तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि 20 बाई 50 में एक अच्छा घर कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि यह 20 फीट बाई 50 फीट यानी कि 20 फीट बाई 50 फीट का हाउस प्लान है, और ये आपका मेन गेट है यानी कि MG मेन गेट। यहीं से आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको एक पार्किंग एरिया मिल जाएगा। यदि हम पार्किंग एरिया के साइज़ की बात करें तो 9 फीट 1 इंच बाई 14 फीट है, यानी कि 9 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 14 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। इसमें बड़ी छोटी सभी प्रकार की गाड़ियाँ आराम से पार्क हो जाएंगी। और कार पार्किंग के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि एक बेडरूम है, इसको आप गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो 9 फीट 1 इंच बाई 14 फीट है, 9 फीट 1 इंच यानी कि 9 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 14 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। और इस बेडरूम में आने जाने के लिए आप देख सकते हैं कि एक डोर यहाँ पर दिया गया है और इसमें 2 विंडो हैं। एक विंडो यहाँ पर है यानी कि एक खिड़की यहाँ पे है और दूसरी खिड़की यहाँ पे है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि बरामदे से ही आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको स्टेयर यानी कि सीढ़ी मिल जाएगी। स्टेयर यानी कि सीढ़ी इस तरफ से स्टार्ट होते हुए ऊपर की तरफ जाएगी, और स्टेयर के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि WC और बाथरूम कंबाइंड है। यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो 5 फीट बाई 7 फीट है, 5 फीट यानी कि 5 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 7 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। और बाथरूम में आने जाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डोर दिया गया है, और बाथरूम सीढ़ी के बीच का ये जो गैप है यानी कि ये जो खाली स्थान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लंबाई 6 फीट 1 इंच है। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक किचन दिया गया है। यदि हम इस किचन के साइज़ की बात करें तो 6 फीट 2 इंच बाई 6 फीट 7 इंच है, 6 फीट 2 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 6 फीट 7 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। और किचन में आने जाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डोर दिया गया है और किचन में एक विंडो यहाँ पर है, और किचन के सामने आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी स्पेस, ये पूरा एरिया बिल्कुल खाली है, जिसका उपयोग आप डाइनिंग के रूप में या फिर बैठने के रूप में या फिर किसी भी सामान को रखने के रूप में कर सकते हैं। ये पूरा एरिया आपका ओपन है, ठीक है। यदि हम ओपन एरिया की लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 10 फीट 7 इंच है, और ओपन एरिया के इस तरफ आप देख सकते हैं कि ओपन पूजा रूम है, यानी कि इस दीवार पर एक छोटा सा मंदिर लग जाएगा, वहीं पर सब लोग पूजा करेंगे, और ये कोई रूम नहीं होगा, ये पूरा ओपन एरिया होगा, ठीक है। पूजा रूम के बाद नेक्स्ट यदि हम पीछे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2 बड़े बेडरूम दिए गए हैं। यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं इस वाले बेडरूम का जो साइज़ है वो 9 फीट 1 इंच बाई 15 फीट है, 9 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी कि 9 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, और 15 फीट यानी कि 15 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। और इसी बेडरूम से सटा हुआ आप देख सकते हैं कि एक दूसरा बेडरूम है, और यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 9 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 11 फीट यानी कि 11 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि एक ओपन एरिया है जो कि बिल्कुल ओपन रहेगा। इस ओपन एरिया से इन दोनों रूम का जो वेंटिलेशन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। इस बेडरूम में यदि हम विंडो की बात करें तो एक विंडो यहाँ पर लग जाएगी और दूसरी यहाँ पर लग जाएगी, और इस वाले बेडरूम में आप देख सकते हैं कि एक खिड़की यहाँ पे लगी है और दूसरी यहाँ पे लगी है। तो फुल इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और यदि आप इसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यह होम प्लान कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।